फ्रेश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। 15 अप्रैल की रात में अर्ली मॉर्निंग में हमें इत्तला मिली थी, जिसमें एक पता लगा था कि LNJP अस्पताल में दो जने दाखिल हुए हैं गनशॉट इंजरी के साथ। और इसी इत्तला के साथ फिर हमने जब इंक्वायरी की तो पता लगा कि छत्ता रेल चौक पे एक झगड़ा हुआ था एक्सीडेंट के बाद, और जिसमें गोलियां चली थी। एंड उस फायरिंग में एक जने को चेस्ट पे गोली लगी थी और एक जने को पैर में गोली लगी थी। जब मामले में और देखा गया तो पता लगा कि जो एक वैगनार थी, जो ऊबर ड्राइवर था, ऊबर में चल रही थी, वो वैगनार ने एक ई रिक्शा को हिट किया था, जिससे ई रिक्शा पलट गया था और उसका जो ड्राइवर था वो नीचे गिर गया था। फाइनली ये जब एक्सीडेंट हुआ तो इससे वहाँ के जो लोग थे वो इकट्ठा हो गए थे और झगड़ा होने लग गया था। इसी झगड़े का फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स मौजूद थे जो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने इस झगड़े का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और पिक पॉकेटिंग करने की कोशिश की। उन्होंने जो ई रिक्शा ड्राइवर था उसके जेब से भी पैसे निकाल लिए थे, और जो ऊबर का ड्राइवर था उसके पैसे निकाल रहे थे, उसका पर्स निकाल रहे थे वो। उसने रियलाइज़ कर लिया था कि ये पर्स निकाल रहे हैं और उसने उनको पकड़ लिया था। और इस झगड़े में फिर वो निकलने के लिए उन्होंने गोली चला दी, जिससे जो ड्राइवर था उसकी डेथ हो गई। और एक गोली, उन्होंने तीन गोली चलाई, एक गोली साइड में एक वैगाबॉन्ड वैगर था जिसके पैर में लग गई। इसको फिर सॉल्व करते हुए हमने तीन जनों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें एक लेडीज़ भी शामिल है जो उस टाइम पे उनको हार्बर कर रही थी, उनको बचा रही थी और उनको भागने में मदद कर रही थी। इसमें दो जने जो अरेस्ट हुए हैं उनके पहले प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हैं, और इसमें अभी एक और जने का अरेस्ट होना बाकी है। जो पैसे चुराए थे वो रिकवर हो गए हैं। वेपन की बरामदगी अभी नहीं हुई है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और एक जना पकड़ना बाकी है। वेपन की भी हो जाएगी अभी बरामदगी। ये दो आरोपी बहन भाई थे और बाकी ये एक ही ग्रुप के हैं, ये एक साथ रहते हैं।